मॉम, कैन यू प्लीज गो बैक? ये फिर किसी वक्त कर लेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा, इसको क्या हुआ है? आपको पता है कि हम दान ऑफिस नहीं गए और ना ही उनकी कोई मीटिंग थी। फिर कहाँ गया है बेटा? फोन करके पूछो, बाकी की शॉपिंग खत्म करनी है हमने ना। को लगता मैंने ट्राई नहीं किया होगा, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। आप खुद सोचें कि उनके लिए आज इस सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। फिर कोई इमरजेंसी होगी होगी, ऐसे बदगुमान तो ना हो। डोंट बी अपसेट विद हिम बेटा। मेरी डैड से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज उन्होंने हमारी शॉपिंग की वजह से सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। हमदान को ऑफिस में कोई काम नहीं था और ना ही वो अभी ऑफिस गए हैं। आप खुद सोचें मॉम, ऐसा क्या हो गया कि हमदान को मुझसे झूठ बोलना पड़ा? और मुझसे ज्यादा उनके लिए क्या अहम है? ये तो अब वो ही जवाब दे सकता है बेटा। फिलहाल मैंने तुम्हारे डैड को जवाब देना, इसलिए वी नीड टू फिनिश दिस शॉपिंग प्लीज। हम प्लीज चलें, लेट्स गो, ये फिर किसी दिन हो जाएगा। क्या करना है? नताशा, बेटी रजा तुमसे मिलने आया। व्हाट? उसे यहाँ किसने बुलाया? क्या मतलब किसने बुलाया? वो इस घर का होने वाला दामाद है, किसी भी टाइम आ सकता है। मॉम, आप जानती हैं कि मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती, और बार बार उसका हवाला मत दिया करें मुझे। क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारे डैड ने तय किया है और इसे निभाना तुम्हारा फर्ज है बेटा। मॉम प्लीज, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करें, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रजा में और इस रिश्ते में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप ये बात देवफर से जानती हैं। अच्छा, अब ये फजूल बहस छोड़ो और आकर उससे मिलो। मेरा कोई मूड नहीं है किसी से मिलने का, और इसको किसी ने समझाया नहीं किसी के घर जाने से पहले परमिशन लेते हैं। इसे कहीं आइंदा बता के आया करे। अब मैं उसे जाकर क्या कहूँ? जब वो अमेरिका से आया था तुम तब भी उससे मिलने नहीं गई थी, एटलीस्ट आज तो मिल लो। क्या सोचेगा वो? जो मर्जी सोचे, आई डैम डोंट केयर, प्लीज। तो बेटा फिर मैं क्या कहूँ उसे जाकर? मॉम, जो मर्जी कहें, मुझे डिस्टर्ब मत करें। अच्छी भली गेम खेल रही थी मैं, प्लीज कॉफी क्या कहते मेरे लिए। ओके। हमने बहुत नासों से पाला अपनी बेटी को, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये तो उसके मूड पे डिपेंड करता है, क्या पता जागने के बाद भी वो तुमसे ना मिले। बहुत मूडी है वो, तुम अगर उसका वेट करना चाहो तो कर लो। एक्चुअली मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगी, मुझे एक जगह पार्टी में जाना है। रजा, नेक्स्ट टाइम आने से पहले कॉल कर लेना। नताशा बिना अपॉइंटमेंट किसी से मिलती नहीं है। यहाँ क्या कर रही? नहीं नहीं, कोई और होगी, मुझे गलत फहमी हुई। लग तो है नहीं रही। We'll be right back.
मुझे रजा से मिलना था। रजा से क्यों मिलना था तुम्हें? मुझे इन्होंने बुलाया है, आप चाहें तो बेशक पूछ लें। अगर मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों आप मेरे पीछे पड़े थे? ऐसा प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। ये क्या? खुद ही खोल के देख। सारे पैसे किस लिए हमें? भाई मैंने सोचा कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है तो हैदराबाद में थोड़ी बोरियत हो रही होगी, तो तुम कहीं घूमने चले जाओ। ऐसे चौंचलों से तो बेहतर है इन पैसों की नई बाइक ले लूंगा। कोई जरूरत नहीं है इन पैसों पे नजर रखने की। बाइक खरीदनी है ना तो अपने पैसों से खरीदो। इन पैसों से तो मेरी बहू को सैर करानी होगी। हाँ मरी लेके जाइयो। क्यों नाराज हो रही है? मैं ले जाता हूँ इसे, टिकटें वगैरह मैं बुक करा देता हूँ, आप अपनी बहू से कहें पैकिंग कर ले। अरे पैकिंग की क्यों फिक्र करता है, वो तो हम मिलके कर लेंगे पैकिंग। तू बस एक हफ्ते की छुट्टी ले ले दफ्तर से। छुट्टी का कोई मसला नहीं अम्मी, लेकिन आप मुझे ये बताएं आप अकेली कहाँ रहेंगी? अरे मैं महमूद अली के पास रह लूंगी, वैसे भी इतने दिन हो गए मैं उससे मिली ही नहीं हूँ, तो मिल लूंगी ना। आयमा बेटा। जी पप्पो। तुम ऐसा करो कि अपनी पैकिंग कर लो और प्यारे प्यारे से कपड़े रखना, नहीं नई नवेली दुल्हन हो ना। अमी दुल्हनें तो वो नहीं होती जिनकी बारात में 100-150 लोग आए बाकायदा तरीके से, जो बगैर बारात के अंधेरे में खामोशी में विदा हो, वो भी दुल्हन होती है। क्या बकवास कर रहा है? क्यों इस तरह की बातें कर रहा है? क्या हो गया? मैंने तो एक मासूमाना सा सवाल पूछा। ये मासूम सवाल है? बजाय उसके दिलजोई करने के तंज के तीर चलाता रहता है। मजा आता प्यार है। अरे लानत भी जैसे प्यार पर, समझा कर बहुत समझने की जरूरत है। क्या हो गया? मजाक की एक बात की है उसको मजाक के हद तक रहने दो, लेक्चर शुरू हो जाते हैं आपके हर बात पे। मैं जरा ऑफिस कॉल करके छुट्टी का पूछ लूं। अजीब तमाशा। रजा इतनी जल्दी वापस आ गए हो? तुम लोगों का तो डिनर प्लान था बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हारा और नताशा का कोई झगड़ा हुआ है? झगड़े की नौबत तब आती जब वो मुझसे मिलती। आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ में तो मेरे नहीं आ रहा इन लोगों में एटीट्यूड किस बात का। और वो जरीन आंटी, वो मुझे कहती है कि मैं नताशा से अपॉइंटमेंट लेकर आऊँ। मॉम मैं उसका फियांसे हूँ, उसके डैड का कोई एम्प्लॉय नहीं कि इनके सब रूल्स फॉलो करूँ। जरीन ने ये सब कहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है, तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँ। अच्छा अच्छा रिलैक्स, पूरी कहानी सुनाओगे ना तो समझ में आएगा ना कि तुम क्या बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हो। बैठो बैठो आराम से बात करो मुझसे, कम ऑन। मेरी जिंदगी के अहम दिनों में से एक दिन था ये। मुझे आपका साथ आपका वक्त चाहिए था, और आप ऑफिस के काम का बहाना बनाकर वहां से कन्वीनियंटली निकल गए। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? बताएंगे आप नाम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दोस्त है ही नहीं? रियली मेरा लहजा तो बहुत बुरा लग रहा है आपको, और खुद जो आप दूसरे को एक लम्हे में 2 टके का कर देते हैं उसका क्या? मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और अच्छा हुआ इस सब से कम इसका मुझे ये अंदाजा हो गया कि आपकी नजर में मेरी क्या हैसियत है।
जानी चाचा जी साहब, वो ऐना नहीं आई अभी तक क्या? इनको तो आए हुए काफी देर हो गई साहब, अपने कमरे में। अच्छा, वो आज कॉफी नहीं बनाई ना, इसलिए उन्होंने पूछा था साहब, लेकिन मुझे लगा कि आप सो रहे हैं इसलिए मना कर दिया। अच्छा, अब कह देता हूं साहब। नहीं नहीं, उनको मत कहिएगा, आप बना दीजिए। और साहब कोई पेन किलर भी दे दें, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है साहब, ठीक। बस इतनी सी बात पे तुम इतने अपसेट हो गए, दिल पे ले ली तुमने बात? छोटी बात मॉम, मैं उस घर का होने वाला दामाद हूँ, मैं इस तरह की इंसल्ट दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप बता देना जरीन आंटी। जरीन को ना इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा है, जनरल सी बात की होगी उसने, सोच रही होगी कि इसके बजाय कि तुम इंतजार करो फोन करके आ जाओ, तुम फोन करके चले जाते ना, इट वुड हैव बीन इजीियर फॉर यू। किसको फोन करता? वो नताशा मैडम तो फोन नहीं उठाती मेरा, ना किसी मैसेज का जवाब देती है, वो तो आप लोगों के प्रेशर में आके मैं मुंह उठा के चला गया वहां पर। Maybe she's sick, उसकी शायद तबीयत खराब है, थोड़ा टाइम दे दो, वो खुद ही राबता कर लेगी तुमसे ना। देख लेते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा, मुझे कोई कमी नहीं है लड़कियों की, नताशा जैसी हजारों लड़कियां आंखें भरती हैं मेरे लिए। आई नो, लेकिन तुम्हारे डैड की एक बहुत दिली ख्वाहिश है कि नताशा इस घर की बहू बने, और फ्रेंकली स्पीकिंग प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तुम लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप है, अगर आप उसे बातचीत करोगे ना तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बहुत प्यारी बच्ची है। प्यारी बच्ची? डैड की वजह से ही टॉलरेट कर रहा हूं मैं इस प्यारी बच्ची, वरना मंगनी के बाद जो तेवर है मैं समझा के रख देता इसे। अच्छा, वैसी वैसी कोई हरकत ना करना कि हम सब बड़ी मुसीबत पे फंस जाएं, यू अंडरस्टैंड ना? ठीक है, फिर आप अपने तरीके से समझा लें जरीन आंटी को, दोबारा इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ओके ओके, मैं उनसे बात कर लूंगी, टेक इट इजी प्लीज।